बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़ और मैं हूँ मोइनुद्दीन अलवी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लैया में टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसपे अंडर 13 के खिलाड़ी मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसी हवाले से अपडेट लेंगे डिवीजनल ब्यूरो चीफ आमिर अलियावान से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट की जानिब से जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लैया के अंदर भी जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर दो रोज़ा यहाँ पे ट्रायल का जो मुख्तलिफ गेम्स हैं वह सिलसिला यहाँ पे जारी किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे DSO इम्तियाज़ भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ गेमों का यहाँ पर ट्रायल का जो सिलसिला है वो होने जा रहा है, कौन कौन सी जो गेमें हैं वो यहाँ पर होंगी, और दूसरा हमारे जो लैया के बासी है उनके क्या नाम जो है, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, ये अच्छा इनिशिएटिव है और डीजी स्पोर्ट्स ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 13 इयर्स ओल्ड जो बच्चे होंगे, अंडर 13 इयर्स के होंगे, वो उनको हम इसमें आगे लेके आएंगे और उनका टैलेंट आएगा और इनको बच्चों को प्रमोट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं अपने इंशाल्लाह तमाम बासियों को, लैया के बासियों को ये पैगाम दूंगा और जो स्पोर्ट्स से लगाव रखते हैं कि वो अपने बच्चों को लेके आएँ और इस रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ। इसमें एथलेटिक और मुख्तलिफ दूसरी गेम्स जिसमें बैडमिंटन है, आर्चरी है और तेक्वांडो है, जिमनास्टिक है, फुटबॉल है, इसमें बच्चे उनके आगे आएँगे और इंशाल्लाह ये टैलेंट सामने ज़रूर आएगा और इनको लेके हम डीजी खान और लाहौर तक जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इम्तियाज़ भट्टी साहब का यही बताना है कि यहाँ के लैया के जो बासी हैं उन बच्चों के लिए जो है ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे एक्टिविटी होने जा रही है और मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे जो गेमें होंगी वो उनमें पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो लैया के जो बासी बच्चे हैं उनको चाहिए होगा कि वो जो है इन दो रोज़ा जो तकरीबात जहाँ पर हो रही हैं उनमें जो है यहाँ पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जी शुक्रिया आमिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।